hello zams day two of our series trying youtubers recipe so today i'm trying so saute recipe if i'm wrong pronouncing so so sorry Anjali di has calzone recipe uh, pizza pocket let's see what she has made देन मैंने थोड़ा परफेक्टली कट करने की वजह से मैंने इसको पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से कट करा ताकि वो अच्छे से कट हो जाए थोड़ा सा तेरा सा कट हो गया बट हुआ कट देन मैंने एक बहुत बड़ी गलती करी मैंने पिज़्ज़ा कटर की हेल्प से उसका अंदर का खाली करने की कोशिश करी जो मेरी गलती थी उसकी वजह से मेरा फुल एक बेस खराब हुआ पिज़्ज़ा का देन मैंने मैं अपनी मॉम के पास ले गई तो मॉम ने बोला कि नाइफ की हेल्प से करो तो तब हुआ देखो ये फुल वन पिज्जा बेस मेरा वेस्ट गया इसमें क्रैक्स आए थे आई डोंट नो बाई मेरे पिज़्ज़ा बेस में क्रैक्स आने लग गए थे तो मैंने एक और बेस लेके इसको जैसा अंजलि दी ने हैंड की हेल्प से कट करा तब भी वैसे ही हो रहा था क्रैक्स आए थे आई थिंक अंकल ने मुझे बासी पिज़्ज़ा बेस दे दिया था शायद इसलिए क्रैक्स आ रहे थे तो मेरे इसमें फ़ॉल्ट रहा देन ये पनीर नहीं है आप देख सकते हो फिलिंग रेडी करनी है ये पनीर नहीं है ये यहाँ पे मैंने मोजरेला चीज़ को क्यूब्स की शेप में कट कराया तो आप पनीर बिल्कुल मत समझना इसको मेरा चीज़ पुल नहीं आ पाया क्योंकि ये मैंने जहाँ पे ये क्यूब्स आए थे वहीं चीज़ आ रही थी तो वो गलती हुई मुझसे देन मैंने यहाँ पे वेजीज ले लिया ऑनियन टमाटो एंड कैप्सिकम तो यहाँ पे मैंने कॉन्स मुझे मिले नहीं तो मैंने लिए नहीं कॉर्न्स भी ले सकते हो जैसा अंजलि जी, जी ने दिखाया है देन मैंने यहाँ मेयोनीज ले ली है खूब सारी मेयोनीज डाल दी मैंने इसमें जैसा अंजलि जी ने दिखाया है देन पिज़्ज़ा सॉस पिज्ज़ा टॉपिंग पिज्जा सॉस पिज्जा सॉस तो यहाँ पे वन स्पून भर के पिज्ज़ा सॉस डाल दिए कमेंट्स में बताना किसको पिज्ज़ा सॉस रुक के ज़्यादा अच्छी लगती है मुझे बिल्कुल नहीं पसंद तो देन इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे अंजलि दीना बोला है कि अगर आपको ऑरिगेनो चिली फ्लैक्स डाले तो डाल सकते हो मुझे थोड़ा स्पाइसी करना था तो दैट्स वायर मैंने डाले लें डाल दिया था देन चिली फ्लेक्स भी डाल दी मैंने आप देख सकते हो मैंने इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लिया ये फिलिंग गाइस सच में बहुत ही टेस्टी हम मिक्स कर रहे थे इसको काफ़ी अच्छी बनी थी फ्लेम ट्राई कर सकते हो आप देन मिक्स हो गया द अब सबसे टफ पार्ट आता है इसको इंसर्ट करना क्योंकि ऑलरेडी मेरे पे जब क्रैक हो रहे थे बहुत मुश्किलों के बाद ही ठीक करे मैंने फिर मैं मेरी मॉम ने आइडियाज़ दिए तब ऐसा कुछ टर्न आउट हुआ स्पेस देखे थोड़े क्रैक अभी भी थे बट काफ़ी पहले से तो काफ़ी अच्छा हो गया था ये देन इसको फिलिंग इंसर्ट मुझसे नहीं हो रही थी देन मैंने अगेन अपनी मॉम को बुलाया एंड उन्होंने फिर इंसर्ट करना शुरू करी पर जितना हो सका उतना करा क्योंकि क्रैक्स अभी भी नहीं जा रहे थे आई डोंट नो वाई क्या हो रहा था तो चलो बहुत मुश्किलों के बाद हुआ कुछ ऐसा आउट आया मेरा ये शायद मेरी पिज़्ज़ा बेस की गलती हो गई थी वरना ये रेसिपी देखो टूट गई ये, ये वेस्टेज हुआ तो जो दो मुझे ठीक लगे वो मैंने ट्राई करे बाकी रूखे भी ठीक लग रहे थे अभी रिजल्ट बताती हूँ मैं आपको देन इसमें मैं अब मोजरेला चीज़ डाल रही हूँ जैसे अंजलि दिन ऊपर डाला है तो मैंने आप पे इस, इस वाली चीज़ को क्यूब्स में नहीं डाला है इसको मैंने बहुत महीन ग्रेट करके डाल दिया है ऊपर पर मैं इसलिए अंदर पुश नहीं कर रही थी अगर और करती तो फिर और वो पिज्जा बेस क्रैक होकर टूट जाता तो मैंने ऐसे दो ट्राई करें क्योंकि वो जो दो और थे वो एकदम ही टूट चुके थे मैंने देखो ये वाला टूट गया था ऊपर वाला देन मैंने नीचे वाला ट्राई करा देखो इसकी पूरी फ्लिंग बाहर आ गई देखो आप देख सकते हो इसके ऊपर मतलब प्रेस करने से वो काफ़ी ठीक हो गया था अगर जब प्रेस नहीं कर रहा था तो वो पूरा निकले जा रहा था तो ऊपर मैंने डाल दी है मोजरेला चीज़ चीज़ भूल चीज नहीं आ पाया आई एम सो सैड अंजलि दी ने उसको बटर लगा के सेका है बट मैंने सेका नहीं है मैंने उसको वन मिनट तक माइक्रोवेव कर दिया सेकना मैंने कहा और क्रैक हो रहा है और टूट गया तो और प्रॉब्लम हो जाएगी तो माइक्रोवेव वन मिनट करने के बाद ये हमारी पिज्ज़ा पॉकेट कैलजोन रेसिपी रेडी है तो उसको मुझे मुझे गर्म हो रहा था ये काफ़ी तो इसको देन मैंने करा तो चीज़ फूल नहीं आ पाया मैं बहुत दुखी हुई तो टेस्टी था बट थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई मतलब काइंड ऑफ पिज़्ज़ा ही टेस्ट कर रहा था टेस्ट भी था बट तो आई विल गेट इट टेन आउट ऑफ एट बस इतना वरना वो पिज़्ज़ा ऐसे ही टेस्ट कर रहा था मतलब टेस्टी तो लग रहा था एंड बस ये खत्म होती है रेसिपी और ये डे टू था अगर डे थ्री भी देखना है तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल बाय बाय